कोविड संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए बैंकों में अब 2 बजे तक ही काम किया जा रहा है प्रतिदिन। इतना ही नहीं, 3 दिन के लॉकडाउन में सभी बैंक बंद पड़े। वहीं दूसरी ओर SBI बैंक द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें कि वह घर घर जाकर लोगों को, खाता धारकों को पैसे उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में अपने वीडियो जर्नलिस्ट किशन कुसुदन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं SBI द्वारा शुरू की गई मोबाइल वैन ATM मशीन, जो कि उपभोक्ताओं को, खाता धारकों को घर घर जाकर पैसे उपलब्ध करा रही है। मेरठ शहर में DM कार्यालय से होते हुए कमिश्नरी चौराया, अंबेडकर चौराया, साकेत चौपला होते हुए अब यह वैन जेल चुंगी चौराहे पे पहुंची है, जो कि अब यूनिवर्सिटी होते हुए तेजगढ़ी एवं अन्य मार्गों में जाएगी। मैं देख सकते हैं आपकी बैंक के अंदर ATM लगाया गया है। जो भी खाता धारक हैं वो अपने ATM का उपयोग करते हुए अपनी सिक्योरिटी के साथ पैसे की निकासी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा प्रयास है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब भी लॉकडाउन में बैंक बंद होते हैं, खाता धारकों को पैसे निकालने में काफ़ी परेशानी देखी जाती है, ATM तक खाली रहेंगे। ऐसे में हम बैंक के साथ व्यवस्था संभाल रहे शिव कुमार से जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और कहाँ कहाँ बैन होकर आई है और कहाँ कहाँ जाएगी। किस तरीके से शिव कुमार जी, क्या व्यवस्था की गई है? लोग जो आ रहे हैं किस तरीके से उनका कोविड का आप पालन करा रहे हैं? सर, उनके लिए यहाँ पर जो वास किया जाता है, टेम्परेचर उनको नापा जाता है और बैंक से निकाला जाता है, ATM से निकाला। ये बैन जब से आपने सुबह से शुरू की है, अब तक कितने लोग इस बैन के माध्यम से पैसा निकाल चुके हैं? उनका क्या, आपको बैन से पैसे निकालते हो क्या कहना है उनका? सर, करीबन सुबह से अभी 30 बंदों ने पैसे निकाले भी हैं इससे, और आगे मतलब चल ही रहा है। नहीं, जब लोग पैसे निकाल रहे हैं बैंकों में, ATMों में कई बार पैसे नहीं निकलते, तो वो आपसे अपना अनुभव कैसा शेयर कर रहे हैं? सर, ये हम बता रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं सबको, मतलब सुविधा अच्छी मिल रही है, यही बोल रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छी सुविधा है। तो कह सकते हैं कि SBI द्वारा शुरू की गई ये मुहिम काफ़ी कारगर है, क्योंकि लॉकडाउन और दूसरा वैवाहिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। ऐसे में बैंकों के बंद होने से आम जन को परेशानी हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार ये बैन जा रही है, ये एक शुरुआत अच्छी है, आम लोगों को काफ़ी राहत पहुँच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन सुदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।